आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 मैच नंबर 18। दोस्तों पता ही ये मैच किसके बीच में खेला जाएगा, इंडिया वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स, मतलब हमारी इंडियन टीम होगी। और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है भाई साहब, अभी तक एक मैच नहीं हारी। लेकिन हमारी इंडिया की छोरियाँ अगर ये मैच हार जाएंगी ना तो सेमीफाइनल में जाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो छोरियाँ बोलेंगे हम किसी से कम है के, हम तो ये मैच जीत के रहेंगे। तो भाई लोग आज के मैच में क्या होगा हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हमारी फैमिली है, मैं चाहता हूँ आपको सही सही जानकारी हो। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको जबरदस्त वाला फायदा होना चाहिए ना, फायदा होगा, बस आपको करना क्या है पूरी वीडियो बिना स्किप करे हुए देखनी है। अगर हम इस मैच की बात करें, सैटरडे 19 मार्च इंडिया टाइम अनुसार 6:30 AM यानी बिल्कुल मॉर्निंग से ना आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हो। यह मुकाबला खेला जाएगा ईडन पार्क ऑकलैंड में। दोस्तों अगर हम यहाँ की पिच की बात करें ना तो यहाँ की जो पिच है वो ग्रॉस है। ग्रॉस होने की वजह से होता क्या है कि यहाँ पे जो तेज गेंदबाज है ना, न्यू बॉल से जो उनकी बॉल होगी हवा में यूं हरकत करेगी, एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा। लेकिन 10-15 ओवर के बाद ना बैटिंग करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है ना वो बैटिंग कंडीशन है। एवरेज स्कोर की बात करें फर्स्ट इनिंग का 240 रन, टारगेट चेज की बात करें 225 से नीचे स्कोर बनेगा। 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 255, 255 प्लस स्कोर बनेगा। 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 225 से 255 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना ये जो मामला है ना वो बिल्कुल बराबरी का चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। दोस्तों करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ के मैदान पे कौन सी ऐसी टीम है जो दमखम दिखाएगी, बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी और जीत का झंडा गाड़ेगी और अपना परचम लहराएगी, चलो अब हम ना यही जानते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं बने, तो भाई लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, आप सभी का वेलकम है। और चलो अब सब लोग ना मिलकर वीडियो को करते हैं लाइक, 1-2 लाइक। जब आप लाइक करते हैं ना यहाँ दिल पे बात लगती है, इसलिए आपका भाई ना टेलीग्राम पर जान लगा देता है बस आपके फायदे के लिए। जिन लोगों ने ज्वाइन किया ना मेरा टेलीग्राम वो बहुत ही ज्यादा फायदे में, आपने ज्वाइन नहीं किया तो बड़े बड़े फायदे मिस कर रहे हो। तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो। IPL आ रहा है, IPL के 4-5 मैच में मेरे साथ काम करना, आपको इतना फायदा होगा ना आप ही बोलोगे अरे यार मैंने पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई, IPL आने से पहले मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डाले। और एक चीज का ध्यान रखें, जो फेक टेलीग्राम है ना उनसे सावधान रहे, मेरे नाम पे ना बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, तो आपको भी पता है अगर जब सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा होगा। तो सही जगह कैसे आएंगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी वहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, इधर उधर से ज्वाइन ना करें, तभी सही जगह आएंगे, क्योंकि सही जगह आएंगे तो आपका सही सही फायदा होगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिया वुमेन्स के, इन्होंने अभी तक 4 मैच खेला, 4 में से 2 मैच जीता 2 मैच हारा, मतलब हमारी जो इंडियन की लड़कियाँ हैं ना इनकी कहानी कुछ अच्छी नहीं चल रही, एक मैच जीत रही हैं और एक मैच हार रही हैं। जो इसका रीजन है ना दोस्तों इनकी बल्लेबाजी। स्मृति मंधना की बात करें तो लगातार सभी मैचों में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही, हरमनप्रीत कौर की बात करें तो लगातार सभी मैचों में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही, बस यही 2 बल्लेबाज इंडियन वुमेन्स के लिए कह रही हैं हम छोरियाँ छोरों से कम है क्या, दमखम दिखा रहे हैं, बढ़िया बल्लेबाजी कर रही हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को छोड़ दें तो एक मैच में स्नेह राणा और एक मैच में पूजा वस्त्रकर, इन दोनों ने एक एक मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी थी। बाकी बल्लेबाजों की बात करें तो भैया उनसे बात बन नहीं रही है, वो बढ़िया बल्लेबाजी नहीं कर रही हैं। अरे हमारी छोरियों अगर ऐसे खेलोगी तो इंडिया कप कैसे जीतेगा, प्लीज़ बढ़िया परफॉर्मेंस करो, बढ़िया बल्लेबाजी करो स्मृति मंधना और हरमनप्रीत कौर की तरह, और बोलो चक दे इंडिया। उम्मीद है कि जो इंडिया की लड़कियाँ हैं, इंडियन जो बैट्समैन हैं, वो इस मैच में जाएंगी और बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगी। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी भी एक हिसाब से कह सकते हैं ठीक ठाक है, लेकिन जबरदस्त नहीं कह सकते। और दोस्तों वर्ल्ड कप में जब तक जबरदस्त गेंदबाजी नहीं होगी तब तक बात नहीं बनती। तो राजेश्री गायकवाड़ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त गेंदबाजी कर रही सभी मैचों में, स्नेह राणा भी सभी मैचों में बढ़िया गेंदबाजी कर रही, मेघना सिंह भी सभी मैचों में बढ़िया गेंदबाजी कर रही, मतलब ये 3 गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रही है सभी मैचों में। लेकिन जो एक्सपीरियंस गेंदबाज है झूलन गोस्वामी, अगर हम इनकी बात करें तो एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी थी, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रही है, तो इनसे उम्मीद होगी कि आप भी बढ़िया गेंदबाजी करें। पूजा वत्सकर की बात करें तो एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी थी, उसके बाद बढ़िया गेंदबाजी नहीं कर पाई, मतलब 3 गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी कर रही हैं, 4th और 5th गेंदबाज ना थोड़ा सा निराशजनक परफॉर्मेंस है, इसलिए एक मैच जीत रही हैं एक मैच हार जा रही है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की बात करें तो इनके क्या कहने यार, 4 मैच खेला है, 4 मैच जीता है और कह रही ओए मेरे को हराएंगी, बढ़िया ही मैं यहाँ पे हारने आई हूँ, यहाँ तो मैं कप ले जाने आई हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस चल रही है ना भाई साहब वो ऐसी चल रही है, ऐसी परफॉर्मेंस इनकी क्यों है। अगर मैं किसी एक स्पेशल प्लेयर की बात करूँ तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, जी नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये लगातार मैचेस जीत रही है, ऐसा क्यों, क्योंकि इनके टीम में हर दिन कोई ना कोई एक दो बल्लेबाज
बाद या एक दो गेंद बाद आती है, मतलब मैच जीता हुआ परफॉर्मेंस करके जाते हैं, चाहे बल्लेबाजी की बात कर ले, गेंदबाजी की बात कर ले, मतलब इनके जो हीरो है ना वो अलग अलग दिन अलग अलग लड़कियां बनती हैं, इसीलिए जो इनकी कहानी है बहुत अच्छी चल रही है, लगातार 4 के 4 मैच जीत चुकी हैं। तो जो इनकी बल्लेबाजी ना रचेल हैंस लगातार सभी मैचों में बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है, ये तो सभी मैचों में बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन एक मैच में इनका साथ देती है मैग लैनिंग, और एक मैच में इनका साथ देती है एलिजा हेली, एक मैच में इनका साथ देती है इलीज पेरी, और अगले मैच में जो इनका साथ देती है तहालिया मैकग्रा, तो अगले मैच में इनका साथ देती है एलिसा गार्डनर। तो आप देख सकते हैं ना, मतलब अलग दिन अलग अलग बल्लेबाजों ने बढ़िया परफॉर्मेंस करी, लेकिन क्या फर्क पड़ता, कोई आए बढ़िया बल्लेबाजी करे, हमारी टीम मैच जीतती रहे। वैसे अगर हम इनकी गेंदबाजी की बात करें, इनकी गेंदबाजी की भी वही कहानी है, जेस जॉनसन और अलाना किंग, जेस जॉनसन और अलाना किंग्स की बात करती, ये सभी मैचों में बढ़िया गेंदबाजी करती, कसी हुई गेंदबाजी करती है और विकेट भी निकालती, और किसी मैच में इनका साथ देती है तहालिया मैकग्रा बढ़िया गेंदबाजी करके, और किसी मैच में डिवाइस ब्राउन इनकी बढ़िया गेंदबाजी करके साथ देती है, और किसी मैच में अमांडा वेलिंगटन बढ़िया गेंदबाजी करती है, और किसी मैच में एसिसा गार्डनर, और किसी मैच में एलेज परी, मतलब इनकी गेंदबाजी भी बढ़िया चल रही, मतलब 2 गेंदबाज 3 गेंदबाज बढ़िया तो करते हैं, लेकिन अगले मैच में कोई अगली गेंदबाज आती है जो कमाल की गेंदबाजी करके जाती है, अगली मैच में एलिज पेरी आती है कमाल की गेंदबाजी करके चली जाती है, तो मतलब इनके ना सब कुछ चल रहा, वो ऐसा टाइम चल रहा है ना कि मिट्टी को भी छू रही है ना तो सोना बन जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त चल रही थी। अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया की छोरियाँ हैं ना वो इंडियन छोरियों से आगे नजर आ रही है। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया वुमेंस ने लास्ट के 6 मैच में 3 मैच जीता 3 मैच हारा, मतलब यहाँ पर भी वही कहानी, एक जीतती है तो अगला हार जाती है। अगर हम इस दौरान इनकी बल्लेबाजी एवरेज की बात करें 251 रनों का, 251 ठीक ठाक होता है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 5.30, हम इसे भी ना बढ़िया नहीं कह सकते, ठीक ठाक कह सकते हैं। टीम ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की बात करें लास्ट के 6 मैच में सारे के सारे मैच जीती हैं, एक भी मैच नहीं हारा। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 272 रनों का, 272 तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 4.96, मतलब गेंदबाजी एवरेज भी इनका काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा था। अगर हम यहाँ पे लास्ट 6 मैच के बिहाफ पर दोनों टीमों का कंपेरिजन करें तो चाहे रिजल्ट की बात कर लो, बल्लेबाजी एवरेज की बात कर लो, गेंदबाजी एवरेज की बात कर लो, हर जगह ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स इंडिया वुमेन्स है आगे नजर आ रहे। अगर हम इन दोनों टीमों की हेड टू हेड की बात करें, अभी तक ओडीआई के 23 मैच खेले गए जिसमें से इंडिया ने बस 6 मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया ने 16 मैच जीता और एक मैच नो रिजल्ट है, मतलब रिकॉर्ड्स की माने तो यहां पर भी जो ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां हैं ना वो इंडियन छोरियों को मात देती नजर आ रही। लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो इंडिया वुमेन्स ने 1 और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने 4 मैच जीता, तो भाई साहब यहां भी ना जो ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां हैं वो इंडियन लड़कियों से आगे नजर आ रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो आज के मैच में होगा क्या होगा, चलो अब हम ना यही जानते हैं, लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कितना सोच रहे हो यार, प्लीज जल्दी जल्दी कर डालो अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे सारी एनालिसिस करने के बाद क्रिकेट के नियमों अनुसार अगर इस मैच की बात करें, ये जो मैच है ना वो 65 और 35 का, 65 टीम ऑस्ट्रेलिया और 35 टीम इंडिया, तो अगर आप यहाँ पे चाहें मजबूत टीम यानी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो आज का ये मैच होगा इंडिया वुमेन्स अपने नाम पर कर सकती है। अगर आप मेरे साथ रिस्क लेना चाहते हैं तो मेरे साथ आप आ सकते हैं, आपका वेलकम है, नहीं तो मजबूत टीम के साथ जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी दिस मैच विल बी बी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों आपको पता है ना कोविड का टाइम चल रहा है, कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टीमें बदल जाती है, जब टीम बदल जाती है तो मैच विनर भी तो बदल सकता है ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले मैं अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ, तो मेरा टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करें। और दोस्तों जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया है ना वो बहुत ही ज़्यादा फायदे में, आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिस कर रहे हो, तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो। आईपीएल आ रहा है, आईपीएल के 4-5 मैचों में मेरे साथ काम करना, आपको इतना फायदा होगा ना, आप ये बोलोगे अरे यार मैंने पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई, आईपीएल आने से पहले मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डाले, लेकिन फेक से ना सावधान, क्योंकि मेरे नाम पर काफ़ी सारे फेक टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, तो फेक से आप जरा बच कर रहें, क्योंकि सही जगह आएंगे तभी सही सही आपको फायदा होगा। इसलिए मैं आपको कहूँगा सही जगह कैसे आएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी ना वहीं से ज्वाइन करें, मतलब जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी वहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, इधर उधर से ज्वाइन ना करें, क्योंकि तभी सही जगह आएंगे, जब सही जगह आएंगे तभी आपका सही सही फायदा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए God bless you।